भाई उस तरफ तुम कहाँ जा रहे हो यार, हमें उस तरफ जाना है, तुम जंगल में कहाँ जा रहे हो अंदर? यार कराची में जंगल आपको देखने को बहुत कम मिलता है और वो भी इतना खूबसूरत, तो मैंने कहा चल के एक्सप्लोर करें कुछ। और इस तरफ अगर आप वो देखें तो इधर वाटरफॉल लगाया है जो कि अभी ऑन नहीं है, लेकिन ये स्टार्ट हो जाता होगा थोड़ा सा आफ्टरनून में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज नारान अपना कागान मैं इस वक्त कराची के किडनी हिल पार्क पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर आया हूँ इसको एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा ये बिल्कुल आपको रिमाइंड आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कराची के अंदर हैं, क्योंकि यहाँ बीचों बीच ट्रेल्स भी हैं, हाइकिंग ट्रेल्स हैं, साथ में आपको खूबसूरत यहाँ प्लांट्स नज़र आ रहे हैं और आपको पीछे मेरे जो है वाटरफॉल है। तो मतलब ये सब चीज़ें आपको कराची में कहाँ मिलेंगी, और इतनी सकून खामोशी और मतलब नेचुरल हवा ये सब कुछ। इधर भी है वो इन्होंने बहुत सारे फ्रूट्स और बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं जो कि ये आगे जाके फिर ये फल देंगे, तो ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा ये है, इसको अहमद अली पार्क भी कहते हैं और यहाँ पर आप समझें कि मतलब ये कराची की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। कहीं आपको दूर नहीं जाना, किसी हाईवे नहीं जाना, ये आपको नहीं कहना कि भाई मैं बहुत आगे चला जाऊँ मैं हाईवे की तरफ, आपको बीचों बीच शहीद मिलत रोड के अहाते में इसके बहुत ही करीब है, नाहिद सुपर मार्केट के भी पास पड़ता है ये एरिया, तो बहादुराबाद के भी करीब है, ये सारी जगह इनसे करीब है। तो यानी कि आप समझें कि अगर आपको शायद हिल पार्क से फैमिलियर हो उसके बिल्कुल सामने वाली रोड पर आइए, तो इस तरीके से ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही शहर के बीचों बीच जगह है। और इस तरह की जगह पर ये लोग अभी तरक्की भी कर रहे हैं, यहाँ पर चीज़ें भी लगा रहे हैं, पौधे प्लांट कर रहे हैं, यहाँ पर वाटरफॉल शुरू किया इन्होंने और यहाँ पर और भी टूरिस्ट के लिए और सयाहों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ अरेंज करें। तो अभी चल के एक्सप्लोर करते हैं इसको। अच्छा यहाँ बड़ा सुकून है फिर, यहाँ आके ऐसा लग रहा है हर तरफ हरियाली दिख रही है और बहुत ही खूबसूरत बेंचेस लगी हुई हैं। अगर आप देखें ये भाई यूसुफ बैठे हुए हैं, ये हाँ भाई यूसुफ क्या कर रहे हो तुम यहाँ? बस वो कुछ नहीं, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर फैसिलिटीज़ मतलब बेंचेस लगाई हैं इनका यूज़ कर रहा हूँ। और यार सर्दियों की धूप तो तुम्हें पता है सही बात है ना, ज़्यादा के लिए। दूसरा मैं यहाँ देखा था बहुत ये प्लांट्स प्लांटेशन बहुत हुई हुई है और ये बहुत ही ग्रीनरी है, मतलब कराची में ग्रीनरी होती क्या है। सही, यहाँ पर आप देखो तो बहुत ही एक ताज़ा हवा सी फील हो रही है आपको, हर तरफ ही दरख्त नज़र आ रहा है। अगर आप मैं मास्क भी उतार सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फ्रेश एयर है तो देखा जाए तो। और सामने मुझे वो वाटरफॉल का भी कुछ नज़र आ रहा है, इन्होंने शायद वाटरफॉल भी कुछ शुरू की है, लेकिन हाँ बेनज़ीर वाटरफॉल के नाम से यहाँ आगे इन्होंने। तो मतलब बहुत ही अच्छी ये जगह है, अगर आप देखो आना चाहो, और ये टाइम भी मतलब 3-4 बजे का के बाद तो बहुत ही अच्छा टाइम होता होगा यहाँ पर। सही बात है, चलें आगे चलते हैं, मेरे हिसाब से टॉप पे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा इस तरफ ये एक तरफ एक खूबसूरत सा शेड नुमा इन्होंने लगाया हुआ है और नीचे आप देख सकते हैं बेंचेज हैं और यहाँ इन्होंने लैंप्स भी लगाए हैं बल्कि दो, यहाँ आप शाम के टाइम आराम से, बल्कि अभी भी सर्दियों की धूप तो इतनी तेज़ नहीं होती, आराम से बंदा बैठ के यहाँ आराम से इन व्यूज़ को एंजॉय कर सकता है, जो कि आपको मैं दिखाता हूँ। ये दिखाओ, इन्होंने पहाड़ों की कटिंग पे भी जो है प्लांट्स रखे हैं, प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं। सही बात है, बहुत ही सारे प्लांट्स नीचे भी आप इस तरफ देख रहे हैं। और ये इस तरफ जो वाटरफॉल है जो कि अभी शायद कुछ देर बाद स्टार्ट होता होगा, और अगर आपको शौक है हाइकिंग का उसका तो आप यहाँ से चढ़ के भी जा सकते हैं हाइकिंग। हाँ स्टेप स्टेप बनाएगा ऊपर, और इस तरफ अगर आप देखें यहाँ से जो व्यूज़ आ रहे हैं सुकून से इंजॉय कर सकते हैं पूरा अच्छे से, आपको हर तरफ ग्रीनरी और प्लांट्स वगैरह। अभी ये दरख्त और ग्रो करेंगे तो जब ये मज़ीद ग्रो करेंगे और ज़्यादा अच्छा, और ये आपका ना पूरा ग्रीनरी में कवर हो जाएगा। अरे भाई यूसुफ तुम कहाँ जा रहे हो यार, हमें उस तरफ जाना है, तुम जंगल में कहाँ जा रहे हो अंदर? यार कराची में जंगल आपको देखने को बहुत कम मिलता है और वो भी इतना खूबसूरत, तो मैंने कहा चल के एक्सप्लोर करें कुछ कोई नया कुछ मिल ही जाए। लेकिन आप ये देखो कितना ऐसे लग रहा है कि पूरा एक जंगल है, बनना शुरू हो गए और ये आगे तक है, हम नहीं जा रहे भाई आगे कोई, ये पूरा ये फॉरेस्ट है, लगता है आपको मतलब चीता वीता निकला है शहर के बीच में एक फॉरेस्ट है। अच्छा ये यहाँ पर इन्होंने अर्बन फॉरेस्ट भी बनाया है ना, अर्बन फॉरेस्ट यानी कि जो शहर के अंदर बीच में एक फॉरेस्ट का, तो ये भी एक बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है अगर आप लोग एडवेंचर सीकर्स हैं और आप लोगों को पसंद है एडवेंचर। अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से बहुत खूबसूरत व्यूज हैं कराची के पूरे, तो वो एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। वाकई में लग रहा है कि हम किसी हिल स्टेशन पे आए हैं। सही बात है, और यहाँ बल्कि चढ़ने में भी ना आपको मतलब एक सांस फूलने जैसा हो रहा है, ज़ाहिर है यूँ ऊँचाई है तो फ्लावर ब्लूम्स सो डज होप। अच्छा भाई ये देखें ये वो जगह है, तो जंगलात का एक व्यू दे रही है, अब ऊपर चल के देखते हैं। वहाँ मत चले जाना, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा, नहीं भाई होने होने में नहीं जा रहा। आप लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग ये टॉप पे पहुँच गए, ये टॉप नहीं है, इसके बाद अभी और मज़ीद छोटी सी हाइक है, मुझे तो सांस भी चढ़ गया है,
लेकिन अब हम इस हाइक पे चढ़ेंगे और देखते हैं कि ऊपर से कैसा व्यू आता है। ये देखें भाई, कराची के अंदर कैक्टस और वो भी इतना फलता फूलता। बहुत ही बेहतरीन किस्म की हवा भी चल रही है यहाँ पर, और आप ये स्काईलाइन का व्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल टॉप मोस्ट जगह पे आ गए हैं किडनी हिल के, और यहाँ पर बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही हैं खूबसूरत। अच्छे सामने ये देखें, आपको आगा खान का भी नज़र आ रहा होगा यहाँ से बिल्डिंग। बहुत ही सुकून वाली जगह लग रही है, सुकून वाली जगह है। बेंचेस भी लगाई हुई हैं। अभी आप ये देख रहे हैं, ये हम स्टेयर्स नुमा जो इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ से वॉक करते हुए आए हैं। और अब ये सामने से देखें, बहुत ही प्यारी पहाड़ियों का लुक आ रहा है। और इस भी अच्छा लग रहा है। हाँ नहीं, ये बहुत ही इन्होंने देखने में एक अच्छी जगह, और बहुत क्लीन भी है, साफ़ सुथरी भी है। और आगे अब आप देखें, असल व्यूज़ तो अब शुरू हो रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। मैं कहता हूँ कि यार ऐसा लग रहा है कि कहाँ मरी आ गए हैं, नारायण कागान आ गए हम लोग हैं। पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, और इस तरफ अगर आप वो देखें तो इधर वाटरफॉल लगाया है, जो कि अभी ऑन नहीं है, लेकिन ये स्टार्ट हो जाता होगा थोड़ा सा आफ्टरनून में। सर्दियों में तो और भी ज़्यादा फील होता है जब आपने जैकेट पहनी हो और पहाड़ों के इर्द गिर्द खड़े हो। और अभी हम जब ऊपर जाएंगे तो आपको ऊपर से भी व्यू दिखाएंगे, बहुत ही प्यारा कराची की बिल्डिंग नज़र आती है यहाँ। और ये जगह जगह इन्होंने इस तरह से ना इसको हाईलाइट किया हुआ है, जगह को इन्होंने। ये देखें, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, ये है नांगा पर्वत, नांगा पर्वत ट्रेल वन, ट्रेल वन। ये हाइकिंग ट्रेल टाइप की बनाई है इन्होंने, इस तरफ ये बना है, हर जगह मेंशन है रॉक्स पे इस तरह से। और ये एक रास्ता इस तरफ जा रहा है, और यहाँ चल के देखें, ये कुछ सीधे हाथ बहुत अच्छा है। ये शायद मेरे ख्याल से जब इधर की इनॉग्रेशन की होगी ना, तो उस टाइम का है, बेनज़ीर वाटरफॉल अहमद अली पार्क। अच्छा, इसको अहमद अली पार्क भी कहते हैं। आप देख सकते हैं ब्रैकेट में किडनी हिल पार्क लिखा हुआ है, और वैसे अहमद अली पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मुर्तजा वहाब ने अभी इधर का अच्छा इफ्तिताह किया। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ अर्सा पहले ही न्यूज़ आई थी कि यहाँ पर एक सोलर पैनल का, सोलर जो पार्क है कराची का, जहाँ से सोलर एनर्जी बनेगी, अच्छा वो भी यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, और बहुत जल्द इसकी शायद फंक्शनिंग भी शुरू हो जाएगी। अच्छी बात है यार, यानी ये चीज़ें तो होनी चाहिए इस तरह की। ये देखें आप इस तरफ, ये वाटरफॉल है, ये जो एक पहाड़ी नज़र आ रही है आपको सामने, और बहुत ही अभी तो इस टाइम पे बड़ा सुकून वाला मंज़र है यहाँ का। वो सामने जो आप देख रहे हैं वो गेट है, अगर मैं थोड़ा जूम करूँ, वहाँ से हम चलते हुए आए इस पूरी हाइकिंग ट्रेल जो उन्होंने बनाई हुई है, उसको क्रॉस करते हुए आप देखें पूरी नीचे ग्रीनरी क्रॉस करते हुए हम लोग जो है इसके हाई पॉइंट पर आए। अब यहाँ पर ऊपर आकर हम यहाँ का पूरा एक व्यू इन्जॉय कर रहे हैं, और साथ में हमने कराची की स्काईलाइन भी देखी। और ये आप यहाँ पर देखें, बहुत किस्म की प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं, बहुत किस्म के दरख्त यहाँ पर प्लांट किए गए हैं, और इस तरह से आपको ये कैक्टस टाइप प्लांट्स भी यहाँ पे मिलेंगे, और साथ में आपको तरह तरह के फूल। और अच्छा, ये तो मुझे लगता है स्प्रिंग में तो और भी खूबसूरत हो जाता होगा, थोड़ा सा और ज़्यादा। तो हम ये कोशिश करेंगे कि स्प्रिंग के सीज़न में भी आके ना आप लोगों के लिए यहाँ पर एक वीडियो बनाएं, और आप लोगों को दिखाएं कि अगर आप लोग वैसे ख़ुद भी आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और इस जगह का मज़ा लेंगे। तो ये है, और यहाँ पर इन्होंने बेंचेस भी लगाई हुई हैं बिल्कुल एज पे, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आदिल भाई बैठ के भाई अपना चल चल के थक गए यार ऊपर। सही बात है, वो इतनी ज़्यादा हाइक है, और उस हाइक अच्छा ये मगर आपको पता ही वर्थ है, आज जितना थक रहे हो ना, और कराची में आपको ऐसी जगहें कहाँ मिलती हैं, तो एक वर्थ है। अच्छा यहाँ से आप देखें ना, वहाँ वाटरफॉल भी नज़र आ रही है, ये वाटरफॉल भी जब यहाँ पे चलती होगी तो यहाँ से बड़ा अच्छा व्यू देती होगी, उसकी एक आवाज़ का भी एक अलग ही, हाँ उसका एक अलग ही एक मज़ा होगा।